विधानसभा में आरक्षण विधेयक होगा पेश। आज आरक्षण बहाली पर विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। 76% आरक्षण को लेकर सरकार लाएगी विधेयक। आपको ये भी बता दें, सीएम भूपेश बघेल पेश करेंगे दो विधेयक। सदन में चर्चा के बाद विधेयक पारित होगा। सदन के हंगामेदार रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आरक्षण को लेकर 85% तक कराने की तैयारी में विपक्ष है। तो आज विधानसभा में आरक्षण विधेयक पेश होगा। आरक्षण बहाली पर विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है। आरक्षण को लेकर सरकार ये विधेयक लाने जा रही है। सीएम भूपेश बघेल यहां पे दो विधेयक भी पेश करेंगे। सदन में चर्चा के बाद ये विधेयक पारित होगा। सदन के हंगामेदार रहने के आसार भी जताए जा रहे हैं। तो आपको ये भी बता दें कि एसटी को 32%, अनुसूचित जाति एसटी को 13% आरक्षण, वहीं अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का अनुपात तय किया गया है। सामान्य वर्ग के गरीबों को 4% आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है। इसको मिलाकर छत्तीसगढ़ में 76% आरक्षण हो जाएगा। तो आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 पेश होगा। शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 भी पेश होगा। नवी सूची में शामिल करने के शासकीय संकल्प भी लाएगी सरकार। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, काफी अहम दिन रहने वाला है छत्तीसगढ़ के इतिहास में। बिल्कुल सही कहा आपने कि आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में काफी अहम दिन है, क्योंकि आज छत्तीसगढ़ सरकार आरक्षण को लेकर एक बिल ला रही है। उस बिल के तहत जो प्रस्ताव पारित किया कैबिनेट में मंजूरी दी गई है, उसमें यह है कि एसटी वर्ग को 32% आरक्षण, एससी वर्ग को 13%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण दिए जाने का जो बिल है वो यहां पर लाने वाली है और आज ये बिल को रखा जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने सभी विपक्षों के साथ मिलकर इस पर संशोधन प्रस्ताव लाने का तैयारी की है। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि जो एससी जो वर्ग के लिए जो 13% है उसको 16% आरक्षण मिलना चाहिए और ईडब्ल्यूएस को कम से कम 10% आरक्षण मिलना चाहिए। तो उसको लेकर आज संशोधन प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के साथ लाने वाली है और इसको लेकर आज जब बिल पेश किया जाएगा तो उस दौरान काफी हंगामे, आरोप प्रत्यारोप और हंगामे की भी पूरी पूरी संभावना नजर आ रही है। अभी अगर हम बात करें तो सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी है और सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की एक बैठक नेता प्रतिपक्ष के कक्ष में हुई और उस कक्ष में ये रणनीति तैयार की गई। आज जो बिल लाया जा रहा आरक्षण को लेकर, उस पर जो संशोधन प्रस्ताव है उस पर किस तरह से कैसी चर्चा करनी है, कौन कौन से पॉइंट उठाने हैं, कब कौन पॉइंट उठाएगा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। जैसा कि आपने कहा था कि आज काफी महत्वपूर्ण दिन है, आज आरक्षण को लेकर बिल पेश किया जाना है और ऐसा माना जा रहा है कि बहुमत के आधार पर यह बिल पास हो जाएगा और आज ही इसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। राजेश, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे, विधेयक तो ऑलमोस्ट ये मान लिया जाए कि पारित ही है, पास हो जाएगा, कितना बदलाव आएगा इसके पास होने से? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से ये हाई कोर्ट में इस आरक्षण को लेकर जो कटौती की गई थी उसके बाद सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी यहाँ पर नजर आ रही थी और जो अभी भानुप्रतापपुर उपचुनाव चल रहा है उसमें भी कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष, कांग्रेस के पक्ष में लोगों की नाराजगी नजर आ रही थी। मगर ये जब बिल पास हो जाएगा तो कांग्रेस के पास ये बोलने को हो जाएगा कि हमने इस बिल को पास यहाँ पर कराया। तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में इसको कांग्रेस का फायदा भी होगा और कांग्रेस ने यही वजह है कि भानुप्रतापपुर क्षेत्र सहित सभी जगह ये बिल पास करने के बाद एक बड़ा जश्न मनाने की भी तैयारी यहां पर कर ली। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और दूं कि आज आरक्षण को लेकर बिल तो पेश किया जा रहा है, साथ ही साथ 4,337 करोड़ के लगभग का अनुपूरक बजट भी आज सदन में यहां पर रखा जाएगा। जी राजेश, आपसे यहां ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार बीजेपी यही मुद्दा उठा रही थी, आज विधेयक पास हो जाएगा यहां पे, फिर क्या मुद्दा लेके मैदान में उतरेगी? सबसे पहले देखिए, बीजेपी के पास मुद्दा है, यही वजह है कि बीजेपी ने इस आरक्षण के बिल को लेकर संशोधन प्रस्ताव यहां पर लाया है और बीजेपी अब ये बात मांग उठा रही है कि सरकार जो जिस तरह से एससी वर्ग को 13% आरक्षण दे रही है, बीजेपी मांग कर रही है कि उसको बढ़ाकर 16% किया जाए, इसी तरह ईएसडब्ल्यू को जो है वो 4% आरक्षण दे रही है उसको बढ़ाकर 10% किया जाए। तो बीजेपी अब यह साबित करने की कोशिश की करेगी कि एससी और ईडब्ल्यूएस के जो लोग हैं उनके साथ सरकार ने अन्याय किया है। तो ये एक मुद्दा बीजेपी के पास रहेगा और यही रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज सदन में मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, तो हंगामेदार रह सकते हैं आज का जो सत्र है वो। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत